प्री दिन रविवार को अभय सिंह चौटाला गांव समैण के अंदर आएंगे, जो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों के चलते वो सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने किसान आंदोलन के चलते, किसानों की मांगे पूरी न होने के चलते, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था, वो अपने विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे, और वाकई में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके चलते जो अभय सिंह चौटाला है, कहीं ना कहीं किसानों का रुख जो है उनके प्रति नरम है, और उनका कहीं भी विरोध नहीं हो रहा। हर जहां भी जाते किसानों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। और अब गांव समैण टोहाना उपमंडल का बड़ा गांव है, यहां पर वो 7 फरवरी दिन रविवार को यहां पर 11 बजे पहुंचेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करने का समाचार है। तो आपको बता देते हैं, टोहाना उपमंडल के गाँव समैण में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला यहाँ पहुँचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरि सिंह डांगरा जुड़ गए हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कार्यक्रम रहेगा अभय सिंह चौटाला का। चलिए चलते हैं हरि सिंह डांगरा के पास। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी समैण गांव में पहुंच रहे हैं। किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलन को कैसे मजबूती मिले और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र की सरकार पर प्रभाव पड़े और शांतिमय तरीके से प्रदर्शन हो, इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला पूरे हरियाणा में, देश में हर किसानों की महापंचायतों में जा रहे हैं और उनको बल दे रहे हैं। तो देश और प्रदेश जान चुका है चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो वो सच्चा नेता है, जो कहते हैं वही करता है, वो कोई लाग लपेट की राजनीति नहीं करते और सच्चे दिल से किसानों के साथ है, इसलिए उसका कहीं भी विरोध नहीं है। देखिए, जैसे पूरे देश में किसान आंदोलन जो चला हुआ है, कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए पूरे देश के किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन किस सरकार की ओर से किसी भी तरह की उनकी सुनवाई नहीं हो रही। और जब प्रदेश और देश में ऐसे हालात बन जाएं और सरकार जब ज़बरदस्ती और धक्काशाही पर उतर आए, तो वहाँ फिर कौन कैसे नितरता है। उस मैदान में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपने विधायक पद से त्याग पत्र देकर इस आंदोलन को समर्पित ये सारे कार्यक्रम बनाए हैं। उन्हीं प्रोग्रामों को लेकर किसान जन जागरण अभियान के तहत ही इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए चौधरी अभय सिंह जी कल समैण गांव में आ रहे हैं। समैण गांव हमारा पूरे ज़िले का बड़ा गाँव है और इसके अड़ोस पड़ोस के गाँव सारे लगभग पूरे कृषि से जुड़े हुए हैं। तो जो इस आंदोलन को मजबूती मिले, ये सारा प्रोग्राम उसी को समर्पित है। आज हमारे प्रदेश के हैं, आपने देखा कि हर वर्ग का समर्थन किसान आंदोलन को मिल रहा है, और जो मौजूदा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके जहाँ तक प्रोग्राम भी लोगों ने इस प्रदेश में रद्द करवा दिए हैं। अब ये तो देखो, एक आज तक का उदाहरण है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसी प्रदेश के लोग कोई जनसभा ना करने दें। उस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए था इस भाजपा की और जजपा की संयुक्त सरकार को। और यहाँ आज लोगों को कोई उनका नेता, किसान नेता, जब भी आके किसी भी आंदोलन के लिए, इस आंदोलन के जब उनको आकर आगाह करता है, तो लोग उनके पीछे पदचिन्हों पर चलते हैं। इसी कड़ी में चौधरी अभय सिंह जी चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलकर, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े पद को त्यागा था उस वक्त, किसान के लिए कृषि बचेगी तो प्रदेश बचेगा, अगर किसान बचेगा तो प्रदेश बचेगा, खेती बचेगी तो प्रदेश बचेगा। कारपोरेट घरानों के अंडर जो सरकार का कृषि को देने का जो ये कानून बनाने का जो उनका मतलब है, उसको रद्द करवाने के लिए एक सामूहिक रूप से किसान आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों, यही कल का विषय है।